बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रजा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2, लेक्चर नंबर 7 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक होगा ऑनवर्ड एप्लीकेशन, जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 से कनेक्टेड रहेगा। आज हम अपने एक्सरसाइज को कम्प्लीटली वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम आगाज़ कर रहे हैं। इसमें आपके पास गिवन है द सर्कल जी प्लस 1/iota होल मॉडुलस इक्वल होगा 1/3। इसमें आपने क्या करना है कि आपने इस सर्कल की डेफिनेशन को पहले ओपनलाइज करना है और देन आपने यहाँ से कोई लाइन को एक्सप्रेस करना होगा। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 में सीन किया, वही सेम स्टेप आपने क्वेश्चन नंबर 12 में भी अप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं आर डियर स्टूडेंट्स। तो गिवन डैट जी माइनस यानी जी प्लस 1/3 iota होल मॉडुलस इज इक्वल टू 1/3 आपके पास गिवन है। आपने इस प्लस फॉर्म को कुछ इस अंदाज में रीअरेंज करना है कि आपके पास जी माइनस जी नॉट की डेफिनेशन फुलफिल हो जाए। तो जी माइनस इंटू माइनस 1/3 iota, आपने प्लस 1/3 iota को कुछ इस अंदाज में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर माइनस 1/3 जो है, माइनस 1/3 iota की जो फॉर्म है, अगर आप इसको गौर करें तो आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज़ बन रही है, ठीक है ना। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस 1/3 और यहाँ पर इक्वल है 1/3, इट्स मीन रेडियस। तो आपने यहाँ से यहाँ x की वैल्यू राइट करनी होती है या y की वैल्यू। तो ये आपके पास आप गौर करें तो ये आयोटा के साथ कनेक्ट है, तो आयोटा आपको हमेशा वाई की वैल्यू जनरेट करेगा। अगर यहाँ पर आयोटा ना आए तो ऑलवेज आपको वो एक्स की वैल्यू जनरेट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइन बन रही है, दिस इम्प्लाइज दैट रिक्वायर्ड लाइन y इज इक्वल टू माइनस 1/3 हो जाएगी। फिर हमने अज्यूम करना है, लेट कर लिया z इज इक्वल x प्लस आयोटा y। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सो w इज इक्वल, ये आपने अपने रेसिप्रोकल मैपिंग की डेफिनेशन फॉलो की जो एक्सटेंशन की फॉर्म में है। w इज इक्वल 1/z इक्वल होगा 1/z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y। फिर आपने यहाँ से डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करना है, इसके लिए हम रैशनलाइजिंग कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। फिर आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, सिंपलीफाई थोड़ा सा करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, तो आपके पास ये इस तरह का स्टेप आ जाएगा w इज इक्वल एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आयोटा। यहाँ पर रियल पार्ट आपके पास ये है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये, इनको हमने नेम असाइन कर दिए। हेयर रियल पार्ट u इक्वल दिस एंड इमेजिनरी पार्ट v इज इक्वल टू दिस। फिर हमने यहाँ पर y की वैल्यू राइट करनी है, पुट y इज इक्वल टू माइनस 1/3, ये आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पर आपने y की वैल्यू माइनस 1/3 राइट कर देनी है। तो आपके पास ये कुछ अंदाज में स्टेप बन जाएगा। ये हमने y की वैल्यू 1/3 पुट की, तो 1/3 का यहाँ पर स्केयर और 1/9 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू हमने 1/3 पुट की है, यहाँ पर 1/3 पुट किया है और यहाँ पर वो स्केयर था इसलिए 1/9 आ गया। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनली u इज इक्वल टू 9x/9x2+1, इसको हमने कोई नंबर 1 कह दिया, और v इक्वल 3/9x2+1, इसको हमने कोई नंबर 2 कह दिया। ये ऐसे आपके पास v की वैल्यू कंटेन होगी और u की वैल्यू, आपने इसे कोई नंबर 1 का कोई नंबर 2 का, और फिर आपने 1 को 2 पर डिवाइड करना है। तो फाइनली आपके पास ये इस तरह का स्टेप क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और फिर यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, x की वैल्यू u/3v आ जाएगी। अब आपने इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है जहाँ से आपको ईजीली कैलकुलेशंस एक्सप्रेस्ड हो जाएं। तो इसके लिए हम लिखते हैं पुट दी वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं x की वैल्यू राइट करने लगा हूँ, तो फाइनली v इज़ इक्वल, यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट की, यानी 3/9 इंटू एक्स स्क्वायर था, एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट की और इसका स्केयर राइट कर दिया, तो यू स्केयर ओवर 9v² आ जाना है प्लस 1, ठीक है। आपने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके आपके पास ये इस तरह का स्टेप हो जाएगा। फिर ऑनवर्ड आपने इसको थोड़ा सा और मज़ीद प्योरीफाई कैलकुलेट किया तो ये इस तरह का स्टेप हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शन भी क्रॉस करनी है, यू स्केयर प्लस वी स्केयर इक्वल टू 3v। फिर आपने यहाँ से वन साइडेड फॉर्म यानी v की फॉर्म बनानी है और दूसरी साइड को आपने u की फॉर्म को क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि v 2 times आ रहा है, तो वी स्केयर प्लस 3v को आपने दूसरी साइड पे लेके आए तो -3v, और यू स्केयर को आपने इधर लेके आ जाना है यानी राइट साइड पे, तो ये माइनस यू स्केयर हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर कंप्लीटिंग स्केयर की डेफिनेशन अप्लाई करनी है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्केयर, तो 3 का हाफ करेंगे तो 3/2 आएगा। अब 3/2 को आपने स्केयर के साथ लेफ्ट साइड में भी ऐड कर देना है और राइट साइड में भी ऐड कर देना है, तो आपके पास ये स्टेप हो जाएगा।
फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ए स्केयर माइनस टू ए बी माइन ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर का जो फॉर्मूला है उसको क्लोज करना है, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्केयर, इट्स मीन बी माइनस थ्री बाई टू का होल स्केयर इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसकी कैलकुलेशन को एज इट इज़ राइट कर दिया, और माइनस यू स्केयर को आप जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये आपके पास इस तरह का हो जाएगा, यानी माइनस आपका प्लस में चला जाएगा, और यू स्केयर को आप एज इट इज़ लिख भी दें तब भी ठीक है, या आप लिख दें ओपन लाइज करके जैसे मैंने लिखा हुआ है यू माइनस जीरो का होल स्केयर। ये इसलिए किया है ताकि आपको यहाँ पर सेंटर की वैल्यू इजीली अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर आप अगर सेंटर की बात करें तो 0.3/2 बनेगा, और जो रेडियस यहाँ पर है वो 3/2 है, ठीक है ना। सो डब्ल्यू इज़ द सर्कल विद सेंटर, जो सेंटर इसमें होगा ये आप देख सकते हैं, सेंटर यू के लिहाज से जो वैल्यू है 0 है, और वी के लिहाज से यहाँ पर 3/2 है। तो हमने लिखा सेंटर जो है 0.3/2 है, एंड रेडियस इज़, ये आपका रेडियस है 3/2, वही मैंने यहाँ पे एज इट इज़ राइट किया हुआ है। फिर हमने इसकी डेफिनेशन को अप्लाई किया, डब्ल्यू माइनस यहाँ पे डब्ल्यू नॉट की वैल्यू है, यानी यहाँ पे 3/2 जो है ये आपके पास वाई की वैल्यू कंटेन कर रहा है। अगर स्टार्ट पे लिखा होता तो एक्स की वैल्यू नहीं थी, अब ये बाद में लिखा हुआ है, कोमा के बाद जो होता है वो आयोटा के रिजल्ट को शो करता है, तो 3/2 के साथ हमने आयोटा अप्लाई कर दिया, तो डब्ल्यू माइनस 3/2 आयोटा होल मॉडुलस और इक्वल हो जाएगा 3/2। इट्स मीन ये आपके पास रेडियस की वैल्यू है, जिसे हम आर या रो भी कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम वी की बात करें तो यहाँ पर ये वी की वैल्यू 3/2 आएगी, ठीक है। तो यही हमने लिख दिया वी इज इक्वल टू 3/2। अगर यहाँ पर आयोटा ना होता तो हमें लिखना था यू इज इक्वल टू 3/2, वो रियल पार्ट के लिए फिर वैल्यू नहीं थी अगर आपके पास आयोटा ना होता, लेकिन यहाँ पर आयोटा आ रहा है इसलिए हमने वी को ये अप्लाई करवाया। और जब भी वी की बात हो रही हो तो वो डब्ल्यू प्लेन में होता है, अगर यू की बात हो तब भी वो डब्ल्यू में ही होगा, लेकिन वो रियल को शो कर रहा होता है और वी आपका इमेजिनरी को शो कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में है, दी सर्कल जी माइनस टू होल मॉडुलस इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आपने रेसिप्रोकल मैपिंग की ही डेफिनेशन को फॉलो करना है। तो सॉल्यूशन कुछ इस अंदाज में है डियर स्टूडेंट्स, जी माइनस टू होल मॉडुलस इज इक्वल टू टू। तो यहाँ पर आपके पास अगर हम गौर करें तो जी माइनस इस टू को हम लिखें तो ये बनेगा 2+0 आयोटा, ये आपके पास जी नॉट की वैल्यू है, और यहाँ पर रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर रियल पार्ट की वैल्यू अवेलेबल है, इट्स मीन कि आपके पास x इज इक्वल 2 हो जाएगा, और जो रेडियस है यहाँ पर 2 है ओनली ऑन। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं कि जो आपके पास ऑब्टेंड लाइन बनी है वो क्या है, दिस इम्प्लाइज डैट द लाइन इज रिक्वायर्ड फॉर्म x इज इक्वल 2, यानी ये आपके पास x की वैल्यू 2 है, तो ऑनवर्ड हमने लेट करना है, लेट z इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स मैपिंग की फॉर्म है। उसके बाद हमने जो आपने इसकी अप्लाई करनी है डेफिनेशन, जो रेसिप्रोकल मैपिंग की जो फॉर्मेशन होती है वो है w इज इक्वल 1/z, ठीक है, एक्सटेंशन की फॉर्म के लिए w इज इक्वल 1/z के लिए हमने z की वैल्यू को पुट कर देना है 1/, ये z की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर हमने इसको रैशनलाइज किया, ये रैशनलाइज का प्रोसेस जो हम पिछले जितने भी लेक्चर्स किए हैं सभी के साथ ये एक जैसे बिहेवियर हो रहा है, तो ये हमने यहाँ पर रैशनलाइज किया, उसके बाद इसको कैलकुलेट किया, उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, और रियल पार्ट को हमने यू का नेम असाइन कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने वी का नेम असाइन कर दिया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर अब वी की वैल्यू सॉरी जो एक्स की वैल्यू है वो हमने पुट कर देनी है, एक्स जो हमने लाइन ऑब्टेन करवाई हुई है उसको हम पुट करने लगे हैं, एक्स इज इक्वल टू टू, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर आपने एक्स की जगह 2 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपके पास ये स्टेप कुछ ऐसे बन जाएगा, u इज इक्वल 2/4+y², इसको हमने क्वेरी नंबर 1 कह दिया, और v इज इक्वल -y/4+y², इसको हमने क्वेरी नंबर 2 कह दिया, ठीक है। अब हमने क्वेरी नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये इस तरह का स्टेप हो जाएगा। फिर हमने इसको कैलकुलेट किया बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तहत, तो आपके पास फाइनली यहाँ पे y इक्वल हो जाएगा -2v/u। फिर हमने इस y की वैल्यू को पुट कर देना है किसी इक्वेशन में जिसमें आप इजीली अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया पुट दी वैल्यू ऑफ वाई इन को ये नंबर 1। तो आपके पास ये स्टेप हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज डैट यू इज इक्वल 2/4+, ये आपने वाई की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है, तो सिंप्लीफाई करके ये आपके पास स्टेप हो जाएगा, ये आप सभी स्टूडेंट इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, इट्स नो इशू। तो ये स्टेप आपके पास कुछ इस अंदाज में हो जाएगा, 2u² - u + 2v² = 0। फिर ऑनवर्ड हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पे कम्प्लीटिंग स्केयर की डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो
यहाँ पर आप देखें, आप सभी यूज़ केस से पहले देखें टू आ रहा है, इसको आप डिवाइड कर लें कंप्लीटिंग डेफिनेशन में के जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है आप उसे पहले जितने भी वन के अलावा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनको डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने ये स्टेप कर देना है, टू पे डिवाइड कर दिया, अगर थ्री होता तो थ्री पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया यू स्केयर माइनस वन बाई टू यू प्लस वी स्केयर इक्वल टू जीरो। फिर हमने वी स्केयर को दूसरी साइड में ले जाना है, तो वन साइडेड रह गया यू स्केयर माइनस वन बाई टू यू। फिर हमने वन बाई टू का हाफ करना है तो वो वन बाई फोर होगा, और वन बाई फोर का जो स्केयर है हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऐड कर दिया स्केयर के साथ। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है ये ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर का जेड बनता है। इसको अगर आप क्लोज करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्केयर हो जाएगा, इट्स मीन यू माइनस वन बाई फोर का होल स्केयर इक्वल हो जाएगा ये जेड आपका एज इट इज़, ठीक है ना, जो राइट साइड है। तो माइनस वी स्केयर को आपने जब लेफ्ट साइड में लेके आना है तो ये बन जाएगा प्लस वी स्केयर, और वी स्केयर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी माइनस जीरो का होल स्केयर। और यहाँ पर अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर इसमें होगा वन बाई फोर कोमा ज़ीरो, ठीक है। और इसमें रेडियस की अगर बात करें तो वो होगा वन बाई फोर। यू के साथ जो रिजल्ट होता है उसको आप पहले लिखते हैं, जो वी के साथ रिजल्ट होता है उसको हम कोमा के बाद यानी बाद में लिखते हैं। तो ये हम लिखते हैं सो डब्ल्यू इज़ द सर्कल विद सेंटर, ये सेंटर इसमें यू के साथ जो टर्म क्या है वन बाई फोर ये हमने लिख दिया, ठीक है, कोमा, और वी के साथ जो वैल्यू है ज़ीरो वो हमने राइट कर दिया, ठीक है। और रेडियस जो है वन बाई फोर वो हमने ये राइट कर दिया। फिर हमने ये डेफिनेशन अप्लाई कर दी, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू नॉट होल मॉडुलस इक्वल हो जाएगा रेडियस की वैल्यू। यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर ये स्टार्टिंग पे सेंटर की वैल्यू आ रही है, इट्स मीन कि आपके पास रियल पार्ट है, तो डब्ल्यू नॉट इसमें वन बाई फोर होगा, इसमें आयोटा की वैल्यू बिल्कुल भी है नहीं क्योंकि ये रियल पार्ट की वैल्यू। अगर ये सेकंड प्लेस पे होता तो आपने ये कहना था ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इस टाइम आ रहा है ज़ीरो, ठीक है। तो ये बना डब्ल्यू माइनस रियल पार्ट की जो वैल्यू है वो है वन बाई फोर, इट्स मीन डब्ल्यू माइनस वन बाई फोर होल मॉडुलस इज इक्वल टू रेडियस वन बाई फोर, ये आपका रेडियस है। और यहाँ पर यू की वैल्यू क्या बनेगी, ये वाली यू इज इक्वल टू वन बाई फोर, ठीक है। अगर यहाँ पे आयोटा होता तो हमने कहना था वी इज इक्वल टू वन बाई फोर, लेकिन यहाँ पर आयोटा नहीं आ रहा इसलिए लिहाजा हम कह सकते हैं कि यू इज इक्वल टू वन बाई फोर होगा, हैंस विच इज़ अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एज अ कॉम्प्लेक्स मैपिंग फॉर्मेशन। तो ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन वाइंड अप हो गए हैं। एक और रहता है क्वेश्चन, वो आप सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल एज इट इज़ परफॉर्म कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 14 और एग्जांपल नंबर 1, वो आपने क्वेश्चन को परफॉर्म कर लेना है, ये आप सभी स्टूडेंट का होमवर्क होगा। और बिल्कुल जितने ही आपको ये कम्प्लेक्स मैपिंग के जो रेसिप्रोकल मैपिंग के क्वेश्चन परफॉर्म करवाए गए हैं इन्हीं स्टेप पे, वो भी आप लोग आप सभी स्टूडेंट परफॉर्म कर लेंगे ईजिली। तो होपफुली आर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।